हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्किन। लेट्स सी व्हाट इज ह्यूमन स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड कवर्स द बॉडीज एंटायर एक्सटर्नल सर्फेस। मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बॉडी में कोई है तो वो स्किन है, और एक्सटर्नल सर्फेस को वो कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द जर्म्स, मतलब ये जर्म से प्रोटेक्ट करता है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है स्किन। एंड इनेबल्स टच, मतलब टैक्टाइल सेंसेशन में हेल्प करता है। दिस इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन स्किन। सो इट्स ऑल अबाउट स्किन। अभी हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। पहले तो हम देखेंगे एनाटॉमी, स्ट्रक्चर देखेंगे हम स्किन का। तो दोस्तों ये रहा स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन के टोटल 3 लेयर्स होते हैं। जो ऊपर का लेयर, जो ब्राउन लेयर दिख रहा है आपको, दैट इज इपिडर्मिस, मतलब आउटर लेयर, आउटर कवरिंग बोलते हैं हम उसको। उसके बाद जो नीचे बड़ा वाला पोर्शन, मतलब सारा खजाना वहीं पर रहता है, तो उस लेयर को बोलते हैं हम डर्मिस, है ना, मिडल वाला लेयर। देन उसके नीचे जो फैटी लेयर रहता है येलो कलर का, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उस लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और सबक्यूटानियस भी बोलते हैं हम, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटानियस लेयर ऑफ स्किन। तो अभी हम देखेंगे ये जो ब्लैक कलर के, दैट इज हेयर्स, सभी के स्किन पे रहते हैं। देन जो हेयर्स नीचे रूटेड रहते हैं उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, वहां से हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स भी रहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के बाद जो ब्लड वेसल्स है, नीचे ब्लड वेसल रहते हैं हाइपोडर्मिस में और डर्मिस में। देन ब्लड वेसल को जो कनेक्ट करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल के डिविजन्स रहते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। एंड इसमें लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे स्किन में। सो ये हो गई एनाटॉमी ऑफ स्किन। अभी हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, मतलब हर एक स्ट्रक्चर का वर्किंग देखेंगे हम। पहले तो लेयर्स ऑफ स्किन, इपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग। इट इज टॉप लेयर ऑफ स्किन दैट कंटेन्स केराटिन एंड प्रोटीन इनसाइड, मतलब आउटर लेयर रहता है और केराटिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट रहता है। सेकेंड जो फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब ये हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करता है इपिडर्मिस। थर्ड देखेंगे हम, इट प्रोवाइड्स द स्किन कलर, मतलब मेलानिन पिगमेंट होता है हमारे इपिडर्मिस में, तो उसकी वजह से स्किन कलर डिफाइन होता है हर एक ह्यूमन का। नेक्स्ट हम फंक्शनिंग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ जो मिडल लेयर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, मतलब सभी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन इसमें बहुत सारा मटेरियल रहता है, उसको डर्मिस। ये मिडल लेयर है, 90% ऑफ स्किन का थिकनेस डर्मिस की वजह से रहता है। इसमें क्या क्या रहता है, कोलाजन एंड इलास्टिन रहता है, ये प्रोटीन है। इट मेक्स स्किन सेल स्ट्रांग, मतलब स्किन सेल स्ट्रांग कोलाजन प्रोटीन के वजह से रहते हैं। और डर्मिस में क्या रहता है, ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं। हमारा स्किन हम बोलते हैं ऑयली है, ड्राई है, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। देन स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, हमको स्वेट आता है। देन नर्व सेंसेशन रहता है, जो हमको प्रिक होते हैं या बाहर से जो सेंसेशन आता है, तो उनके नर्व्स रहते हैं। ब्लड वेसल्स रहते हैं जो ऊपर इपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई करते हैं और ओवरऑल स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया डर्मिस। अभी हम देखेंगे द थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस और सबक्यूटानियस लेयर। ये फैटी लेयर है और मसल एंड बोन्स को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है हाइपोडर्मिस। इट हैज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट्स द लेयर ऑफ स्किन टू मसल एंड बोन। जो हाइपोडर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, ये स्किन के लेयर एंड अंदर के मसल एंड बोन्स से कनेक्टेड रखते हैं। सो ये हो गया हाइपोडर्मिस का। 3 लेयर्स देखे हमने, इपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस और सबक्यूटानियस। अभी हम देखेंगे जो भी नर्व्स देखे, स्वेट ग्लैंड्स देखे, तो उनके फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी ऑफ हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या है, उसका फंक्शन। देन स्वेट ग्लैंड का फंक्शन देखेंगे, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल। तो एक एक करके देखेंगे फॉलिकल क्या करते हैं। हेयर फॉलिकल की वजह से हेयर ग्रोथ भी होता है, और हमको स्किन को अगर इंजरी हुई, उंड हुई, तो रिपेयर भी हेयर फॉलिकल ही करता है, हेल्प करता है वो रिपेयर करने में। सेकेंड हम देखेंगे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट बाय सिक्रेटिंग वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट रिमूव करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्किन एंड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स स्किन को। लिम्फ वेसल क्या करते हैं, इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्युलर इम्यूनिटी, लिम्फ वेसल की वजह से ही रहती है। सेल की इम्यूनिटी जो है वो लिम्फ वेसल की वजह से ही मेंटेन होती है। तो ये हो गई फिजियोलॉजी, बेसिक्स आपको बताया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।